हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पार्टी बहुत बढ़िया थी, क्या इंतजाम किया था। ये बात तो बहुत जबरदस्त। और मेन्यू है पंकज, याद है खाने की चीजें? अरे सर, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर। क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे सर, खाने का आइटम होता है तो एक दो आइटम रखो, अच्छे आइटम रखो। इतने सारे आइटम सर, खाते खाते दिमाग खराब हो गया सर, मतलब पेट दर्द हो रहा है। थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ना। अरे कंट्रोल कैसे कर सकते, इतना सारा मेन्यू है, इतनी सारी डिशेस हैं, खाने को मतलब सब एक ही टेस्ट करना चाहिए ना सर। वैसे 4 दिन में प्रोटीन और डाइट की तो ऐसी तैसी हो गई। हाँ सर। अरे यार, इतने दिनों बाद ब्रेक भी तो मिला था, कहाँ ब्रेक कहाँ मिलता है। ब्रेक से बाहर आ जाओ, कल से काम शुरू होने वाला है। एसीपी साहब ने ढूंढ के रखा होगा, आने दो। ए देव, ए सर। मैम, 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 क्या हुआ? मैम, मैम घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। सर, किसी ने चाकू मारा है। सबको मार दिया। सबको मार दिया? और भी लोग हैं क्या? मैम, मर्डर, क्या क्या हुआ? कहाँ पे है वो? सर, बहुत खून बह गया। बेहोश हो गई। एक काम करो, तुम और पंकज इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। तब तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ आसपास हुआ क्या था। नर्स आई थी। उधर एक बंगला है, एक बंगला वहां भी है। तो आई कहाँ से होगी? एक काम करता हूँ, मैं वाला बंगलो देखता हूँ, तुम इधर देख लो, ठीक है? संभाल कर, ध्यान से, कुछ भी पता चलता है फोन करते हैं। किसी पूरे हाथ पैर वाले आदमी को भीख मांगते हुए देखता हूँ, और वो भी बड़ी चलाकी के साथ, तो मुझे धिक्कार है ऐसे लोगों पर। एक्चुअली भाजी, हम लोग बोलते हैं हमारे देश में करप्शन है, ये लोग करप्ट हैं जो अपना काम ही नहीं करना चाहते, जो जिनकी हड्डियों में हराम है। सल्यूट है यार आप लोगों को, क्या बात है, मजा आया। अच्छा, यहाँ पे एक कोई कौन मार देगा, किसने किया ये सब? वो मुझे जान से मार देगा, सबको मारती है। मेरे मॉम डैड को भी मार दिया, पता उसने मुझे भी याद से मारने की कोशिश की। वो अब बाहर आ गया सर, अब वो कभी भी आकर। रिलैक्स, घबराओ मत। क्यों मार रहा है वो लोगों को? क्यों मारा उसने आपके पिताजी को? मुझे कुछ नहीं पता वो। एक्चुअली मैं सिर्फ 4 दिन पहले यहाँ पर आई हूँ। मैं 15 साल से एब्रॉड में रह रही थी। मैं सिर्फ सनी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर हूँ। सनी पता नहीं कैसे बाहर आ गया और इसके सिर पे खून सवार हो गया। कहाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? बार बार बोल रही बाहर आ गया। कहाँ से बाहर आ गया वो? एक्चुअली वो मेरी मॉम डैड का एक सीक्रेट था जो उन्होंने सबसे छुपा के रखा पैनिक रूम में। पैनिक रूम? वो इस घर में पैनिक रूम है।
मेरे मॉम डैड ने 15 साल से सनी को कमरे में बंद रखा था। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या 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 कह रही हैं आप? पैनिक रूम में रखा था एक आदमी को 15, क्यों क्यों रखा था आपके माँ बाप ने एक आदमी को 15 साल? हैं, है कौन ये सनी? मेरा भाई है। भाई मतलब है बेटे ने अपने माँ और बाप को मार दिया? क्यों? ये सब बचपन से शुरू हुआ सनी, आम बच्चों जैसा नहीं था। नमस्कार। नहीं बेटा, पवन आपको प्रॉमिस किया ना इससे अच्छा पपी लाके देंगे। आपका सनी नॉर्मल नहीं है, मैंने उसका PCR टेस्ट किया और टेस्ट के मुताबिक वो साइकोपैथ है। बच्चा है वो, और बच्चे से थोड़ी सी शैतानी हो गई, बच्चे तो शैतानी करते ही रहते हैं, आपने उसे साइकोपैथ कैसे बोल दिया? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है वरना वो दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है। बस बहुत हुआ, सुनिए जी चलिए यहाँ से। चलो गिरा सनी भैया क्यों आई हो यहाँ? वो मम्मी ने बोला करने, वो मम्मी ने बोला था इसलिए आपको बुलाने आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? मैं जानता हूँ यहाँ मेरी जासूसी करने आई हो ना, मेरे बारे में सबको बताओगी? मैं किसी को नहीं बताऊंगी सनी भैया, मैं जा रही हूँ। मॉम डैड टाइम पर आते, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सनी तो मुझे उसने जान से मार ही दिया होता, लेकिन उस सालन भेजने के बजाय मॉम डैड ने मुझे अमेरिका भेज दिया। और सनी, मॉम डैड सनी को लेकर और अपना सारा सामान समेट कर हमारा साउथ बॉम्बे वाला घर बेचकर बिजनेस सब कुछ बंद करके वो इस फार्म हाउस में आके रहने लग गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी सनी के बारे में पता चले, इसलिए यहाँ पर उसके लिए एक पैनिक रूम बना दिया गया। और उसका इलाज? इलाज भी चलता रहा मगर चुपचाप। हम डैड नहीं जानते थे कि उसके बारे में किसी को भी पता चले। 15 साल, 15 साल वो उस पैनिक रूम में बंद रहा। 15 साल से एक आदमी पैनिक रूम में बंद था, तो फिर आज वो बाहर कैसे आया? नहीं पता। मुझे नहीं पता सर, मैं तो अभी लौटा हूँ। तुम कौन हो और ये तुम्हारी क्या लगता है? ये इस फार्म हाउस के मालिक है, मैं तो नौकर हूँ, मैं यहीं पर रहता हूँ। काफी थोड़ी देर की छुट्टी लेकर के मैं पिक्चर देखने गया था, वापिस आके देखा तो घर में कौन रहता? जी साहब, मेम साहब, उनकी भतीजी आनिया बीबी। कौन लोग हैं? तो तुमने देखा वो कहाँ है? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा।
ये है सनी का पैनिक रूम। यहाँ तो सनी के आराम की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। सर मैंने आपको बताया था ना, मेरे मॉम उसका पूरा ख्याल रखते थे सर। तुम लोगों ने उसका बर्थडे भी मनाया था। उसी के लिए तो 4 दिन पहले आई थी मैं। ना वायलेंस भरा उसके दिमाग में। 15 साल से वो कभी बाहर नहीं निकला। जरा भी नहीं सर। हाँ, ज्यादातर मम्मा उसको हॉल में ले जाती थी, सिर्फ हॉल तक। लेकिन इस पापा उसके बाहर वो कभी भी नहीं निकला, कभी भी नहीं। अचानक भाग गया। ये मॉनिटर, ये सीसीटीवी कैमरा? ये सीसीटीवी कैमरा बस इसी से सनी का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट रहता था। ये तुम्हारे मॉम डैड? ये तो तुम्हारी फोटो नहीं लगती है। ये लड़की कौन है? ये I don't know, सर, मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन है। ये सारी तस्वीर, ये आसपास कोई और भी रहता है क्या इस बंगलों के अलावा कहीं? हाँ सड़क के उस पर एक और फार्म हाउस है। मामा ने बताया था एक लड़की आया करती थी मामा पापा से मिलने। लड़की आया करती थी? हो सकता है इस लड़की को उसने यहाँ सीसीटीवी कैमरे में देखा और उसके प्यार-वार के चक्कर में पड़ गया। कहीं इसी के चक्कर में तो नहीं भागा? उस बंगलों में होना चाहिए। या नेटवर्क नहीं है? नहीं, इस पैनिक रूम में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता। ये तो वही औरत है जो हमें रास्ते में मिली थी। ये लड़की कौन है? आन्या जी। हाँ जी। यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। यहाँ 2 लोगों का खून हो गया है और खून भी किया उनके बेटे ने, सनी ने। वो कुछ प्रॉब्लम है उसको यार। उन लोगों ने इसको 15 साल से एक रूम में बंद करके रखा था, पैनिक रूम में। वो यहाँ से बाहर गया नहीं। जो लड़की की तस्वीर मैंने तुम्हें भेजी है ना, उसका स्केच उसके कमरे में मिला था। उसको ढूंढो यार, वो आसपास जो फार्म हाउस है शायद जहाँ पे तुम हो वहीं पे है। उसका स्केच से कुछ लेना देना है। एक मिनट। ये लड़की अन्या है। ये अपने चाचा चाची के साथ इस फार्म हाउस में रहती है। चाचा का खून हो गया और चाची वही है जो हमें रास्ते में मिली थी, घायल हालत में। ओह नो, ये लड़की गायब है, पता नहीं कहाँ गई। अरे यार, उसकी जान को खतरा है, उसको ढूंढो जल्दी से जल्दी, समझे? मैं यहाँ देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है। एक आदमी जो 15 साल से घर के बाहर नहीं गया, वो बाहर निकलेगा तो जाएगा कहाँ? कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो जाता हो 15 साल पहले। बोट हाउस? ये बोट हाउस कहाँ है? तुमने बताया था ना कि 15 साल पहले उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी वहां पे। यहाँ आसपास कहाँ है? कहाँ है वो? हाँ, वो सड़क की उस तरफ लेक के आसपास, वो जो दूसरा फार्म हाउस है ना, बस उसी के नजदीक है। फार्म हाउस के पास है? हाँ। आओ जहाँ पे तुम हो उसके पास में एक लेक है, फौरन वहाँ पे जाओ। वहाँ पे एक बोट हाउस है, मुझे लगता है कि सनी आन्या को वहीं पे लेके गया है। सर,
घबराओ मत, मैं सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर दया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। थैंक यू सो मच सर। सर मेरे चाचा चाची सनी ने उन पे हमला तो नहीं किया ना? अरे आप, तुम्हारी चाची तो हॉस्पिटल गई है, वो ठीक है। और देखो अन्या, जो हुआ सो हो गया, अब हमें इस सनी को ढूंढना होगा। तुम जानती हो वो कहाँ है? नहीं सर, मुझे नहीं पता कहाँ है। लेकिन वो तुम्हें यहाँ कब लेके आया और तुम्हें यहाँ छोड़ के कहाँ गया वो? लेके आया था। हाँ, सनी तुम्हें यहाँ पे लेके आया था ना सर? हाँ, मतलब सनी ने हम पे हमला किया और मुझे यहाँ बांधा, लेकिन आपको कुछ गलत फहमी हुई है सनी तो। लड़कियों की सैंडल और लड़कियों के कपड़े। क्या हुआ? हाँ, ओ, मैंने तो आपको अपना नाम ही नहीं बताया और आपने भी मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा। बैड, वेरी बैड। मेरा नाम सनी। मिस्कर Whisker. नहीं, रोती नहीं है तो फिर समझाओ ना। नहीं, पापा ने आपको प्रॉमिस किया ना कि अच्छा पपी लाके देंगे। देखो बेटे, रोती नहीं है, मैं आपको एक नया पपी लाके दूंगा। किसी को नहीं बताएगी कि सनी ने क्या किया। मुझे छोड़ दो। सनी बेटा। मम्मा, मम्मा, मु मम्मा, नो। लेकिन तुम सनी से। Sorry, Church.
सनी, जो कुछ भी हो गया वो सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, है ना? तो बिल्कुल परेशान मत हो, उसको भूल जाओ। मैं सब ठीक कर दूंगा, है? तुम जो हो तो बिल्कुल परेशान मत हो। मेरी बात सुन, नाम तो याद रहेगा ना? सनी दरवाजा खोलो, सनी दरवाजा खोलो। कहाँ यार, नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे। सनी दरवाजा खोलो प्लीज। सनी तुम ठीक नहीं कर रही हो। सनी, ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा, बंद हो चुका है। हाँ, जैसे 15 साल मैं सड़ी हूं ना उस दरवाजे के अंदर, वैसे अब तुम भी सड़ो। मेरे माँ बाप ने मुझे 15 साल इस दरवाजे के अंदर बंद रखा, और आज मैंने उनको मार के अपना बदला ले लिया। गंदे लोग थे, बहुत गंदे लोग थे, मुझे प्यार नहीं करते थे। मेरे बाप को उसको प्यार करते थे, सिर्फ कोई मारना चाहती थी ना, लेकिन वो खुद ही मतलब 2 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया। उसे अगर अपने हाथ से मारती तो कितना मजा आता ना। मैं उसको मारती तो क्या हुआ एक्सीडेंट, सबको मारती, मम्मी पापा और भाई तीनों। सनी बात को समझने की कोशिश करो। सनी तुम ऐसे बच नहीं सकती। सनी तुम मुझे यहाँ बंद करके बच नहीं सकती। मैं अपने बारे में सोचो, मेरी चिंता मत करो। हाँ, तुम उस कमरे के अंदर बंद हो, क्या क्या करोगे? हाँ मतलब क्या करोगे? एक मिनट वैसे तुमने तो मेरे साथ कुछ गलत किया ही नहीं। तुमको तड़पा तड़पा के मारना अच्छा नहीं है ना? नहीं अच्छा, मतलब क्या करूं मैं फिर? हाँ, मैंने ऐसे मोड़ देती हूँ जिससे फटाफट मर जाओगे। क्या करूं मैं? ऑक्सीजन पाइप काट दो। नहीं नहीं तुम हाँ फिर ऑक्सीजन ऐसा नहीं कर सकती। सनी सनी ऐसा नहीं कर सकती तुम। सनी सनी के बारे में और क्या जानती है? सर, मैं कुमार अंकल और आंटी से मिलने उनके फार्म हाउस जाती थी। वहाँ पे मुझे पता चला कि उनकी एक बेटी है जिसको उन्होंने छुपा के रखा है। उन्होंने मुझे उसके मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया और मुझे ये भी कहा कि मैं किसी को उसके बारे में मत बताऊँ। फिर उनके कहने पर मैं उससे मिलने लगी, हम दोस्त बन गए।
सब हमेशा शांत रहती थी, मुझे नहीं पता था वो इतनी खतरनाक निकलेगी। मेरी समझ में ये बात नहीं आई, उसने तुम्हारे चाचा चाची को क्यों मारा, उनसे क्या दुश्मनी थी? सर एक्चुअली मेरा और चाचा चाची का झगड़ा होता था मेरी शादी को लेकर, वो मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते थे मेरी मर्जी के खिलाफ, और ये बात मैंने सनी को बताई थी सब बस। तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो और उससे दूर चली जाओ तुम। हाँ सर, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, सब मेरी गलती है, मेरी गलती। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। अब सबसे पहले सनी को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए। वापस आ रहे थे कि हमें रास्ते में घायल औरत मिली, उन्हें किसी ने चाकू से मार दिया था। हाँ सर, सर उनको मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया, उनके साथ पंकज है सर। अभिजीत सर और दया सर वहीं पर रुक गए थे क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हाँ सर, मैं अभिजीत सर और दया सर के पास वापस आई हूँ यहाँ पर। ओके सर, अभिजीत सर और दया सर का फोन नहीं लग रहा है, बस मैं वहाँ पर पहुँच रही हूँ। ठीक है सर, हम आपको कॉल करते हैं। मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। कौन मार देगा तुम्हें? देखो घबराओ मत, बताओ कौन है वो। सनी मेरा भाई। मेरे दो सीनियर सीआईडी ऑफिसर जो आए थे वो यहाँ आए नहीं? हाँ आए थे। ऊपर है और ना दो, दो, दो नहीं एक ही आए थे, तो वापस आए नहीं। हाँ आए नहीं, नहीं? सीआईडी
और पता है सनी को ना बेवकूफ लोग अच्छे नहीं लगते, अभी भी नहीं अच्छे लगते, और बेवकूफ लोगों को ना सजा होती है। पता मैं तुम्हें क्या सजा दूंगी? मैं तुम्हें मौत दूंगी। उर्वी, तुम ठीक हो? तो गई है वहाँ पे। रुक जाओ, साले रुक जाओ। हमारे पास कोई चारा नहीं, तुम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकती। बेहतर यही है अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। पता है क्यों? कि मैं 15 साल बाद आजादी हूँ। 15 साल बाद। Hold on, इस सब का कोई फायदा नहीं है। यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम मुझे पकड़ोगे? तुम्हारे दो दोस्त मुझे पकड़ नहीं पाए, तुम क्या मुझे पकड़ोगे? हाँ अभिजीत, अभिजीत कहाँ है? क्या क्या तुमने अभिजीत के साथ? तो गया, वो मर गया। और तुमने हमें भी देख कर दी, उसकी लाश तो दफन होगी, अब तो वहाँ हो गई होगी। बंद करो अपनी बकवास, समझी? अभिजीत कहाँ है? ए, 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 आगे बता रहा, ये यहाँ से खुद जाऊंगी। अरे अभिजीत कहाँ है? यहाँ से खुद जाऊंगी, मैं पहली बोल रही हूँ। आगे बता। ये बताओ अभिजीत कहाँ है? मैं बोल रही खुद जाऊंगी। मैं खुद आपके साथ? देखो मैं सीआईए ऑफिसर, वो सनी, एक मिनट में फर्स्ट एड करती हूँ। सिटी हॉस्पिटल, मैं पनवेल के एक फार्म हाउस का एड्रेस भेजता हूँ, वहाँ पे जल्दी से एम्बुलेंस भेजना। या थैंक यू। पूर्वी तुम ठीक हो? तुम सर हो सकता है अब पीछे सर यहाँ आई ना हो, वो कहीं और है। पूर्वी अभिजीत यहीं पर है। सनी ने कहा था कि अभिजीत कहीं दफन हो गया। सनी ने उसके साथ क्या किया होगा? सर सनी ठीक है? नहीं, सनी मर गई है। सर उसने अभिजीत सर को कहीं बंद कर दिया सर। हाँ पूर्वी, बंद कर दिया, पर कहाँ पर? कहाँ पर हो सकता है अभिजीत? सोचो जरा। प्रॉब्लम है उसको यार, उन लोगों ने इसको 15 साल से एक रूम में बंद करके रखा था, पैनिक रूम में। पैनिक रूम? सनी पिछले 15 साल से उस पैनिक रूम के अंदर बंद थे। तुम्हें तो पता होगा पैनिक रूम कहाँ। तुम तो उससे मिलने के लिए अच्छा आती थी यहाँ पे। सब मिलने आती थी, लेकिन हम लोग हमेशा हॉल में ही मिलते थे, हम पैनिक रूम में कभी मिले नहीं। अरे लेकिन जब वो मिलने के लिए आती थी तो कहाँ से आती थी? इस तरफ से, उस तरफ से, कहाँ से आती थी? पता नहीं सर, आती कहाँ से थी, पर जाती उधर से थी हमेशा। उस तरफ से? जी सर उधर से। तुम यहीं रहो। अभिजीत अभिजीत, मेरी आवाज आ रही है? बर्थडे वाले बलून ने बचा लिया, मारने वाला ही जिंदगी दे गया। या बैठो, आराम से बैठो। बैठो। एक मिनट, मैं पानी लेके आता हूं। अभी जी सर,
अब ठीक है? ये लो, आराम से आराम से। सब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सनी ने किया है। सब जब भी उसको मिलती थी वो हमेशा इतनी शांत रहती थी, लगता ही नहीं था ऐसा कुछ करेगी। उसने अपनी दवाइयां लेना बंद कर दी होगा। वो सब तो ठीक है पूर्वी, लेकिन सनी उस पैनिक रूम से बाहर कैसे आए? सब पता नहीं, अंकल आंटी ने बताया था कि पैनिक रूम है, बट मुझे पता नहीं कहां पर, मैं कभी गई नहीं पैनिक रूम में। पापा कच, ओह क्या बात है, गुड गुड गुड, ठीक है। या मनीषा जी अब खतरे से बाहर है, she's all right now, कोई डर नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर आप चारों नहीं होते तो आज चाची बच नहीं पाती। एक मिनट, क्या कहा तुमने? चारों चारों नहीं होते? तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग चार लोग थे? आपने ही बताया था। नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। नहीं सर, आपने ही बताया था मुझे। अन्या, जहां तक मुझे याद है इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई थी। गलत फहमी हो गई होगी। खैर छोड़िए ना, केस तो सॉल्व हो गया। और नहीं, केस अभी सॉल्व नहीं हुआ। क्या मतलब है सर आपका? असली मुजरिम तो अभी हम लोगों ने पकड़ा नहीं। असली मुजरिम तो सनी है ना, वो मर गई है। नहीं, सनी नहीं, तुम असली खूनी तुम। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों करूंगी? झूठ बोले जा रही हो। क्या बोल रही थी तुम, कि तुम पैनिक रूम में कभी गई नहीं? हाँ सर, मैं कभी पैनिक रूम नहीं गई। तो फिर ये तुम्हारी पायल का टुकड़ा है, क्योंकि ऐसा पायल ना सनी पहनती थी ना उसकी माँ। पैनिक रूम में कैसे पहुंचा? सब अब कोई फायदा नहीं है, खेल खत्म। मेरे मॉम डैड के मरने के बाद अंकल आंटी ने मुझे गोद लिया था। मैं नफरत करती थी उनसे, बहुत नफरत। उन्होंने मॉम डैड के बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब हड़प लिया। वो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे मैं कोई गुड़िया हूँ। मुझे कुछ भी करने के लिए बोलते थे, हर चीज़ के लिए मुझे उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, छोटी से छोटी चीज़ के लिए। बहुत चिढ़ने लग गई थी मैं उनसे। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद सनी को मोहरा बना के मैं अपना काम निकाल सकती हूँ। 15 साल से कैसे कोई ऐसे एक ही कमरे में रह सकता है? कैसे बर्दाश्त कर रही हो तुम ये सब? मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी सहन नहीं करती। इसलिए माँ बाप अपने बच्चे से प्यार भी नहीं करते होंगे। तुम्हारे मॉम डैड जैसे मेरे चाचा चाची, तुम्हें जबरदस्ती शादी करा रहे, मुझे नहीं करनी शादी। मैं तो वही करना चाहिए जो आपकी आजादी छीने, उनसे उनकी जिंदगी छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने उसकी दवाइयां बदल दी, और उन दवाइयों के असर से सनी वो ही करती थी जो मैं उससे कहती थी। अब चाचा चाची, चाची कहाँ गई? भाग गई। मैम घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, इन सीआईडी वालों के लिए मेरे पास एक और प्लान है। उसी के प्लान में उसको फंसा कर मैं आजाद होना चाहती थी,
इसीलिए मैंने आपको सनी के बारे में सब कुछ बता दिया ताकि आप लोगों को मुझ पर कोई शक ना हो। मगर तुम्हारा बैड लक सीआईडी से पाला पड़ गया तुम्हारा। अब तुम्हारा ये शैतानी दिमाग जेल में चलाना, समझी? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.